हे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि हर किसी की बेचैनी किस तरह होगी। दैट आई कैन अंडरस्टैंड द वन हु कीप्स अ पेपर दैट व्हाट ही इज सफरिंग और शी इज सफरिंग दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड। इफ यू रिमेंबर मीन्स इफ आई रिमेंबर माय डेज व्हाट डज द रिजल्ट मीन्स, अंदर की धड़कने कितनी बेचैनी बढ़ा के रखते हैं। चलिए, खैर मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए, जनरल कैटेगरी में 575 दिस टाइम, क्योंकि पेपर इजी नहीं था तो 575 पे मिलना चाहिए था जनरल कैटेगरी में। अब आप कहेंगे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया आपने 575, या मैंने बहुत कैलकुलेशन किए और मैं ये कैलकुलेशन आपको शो नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली 575 पे जनरल कैटेगरी में मिल जाना चाहिए था। अब ये क्या चीज़ आ गई कि मिल जाना चाहिए था? तो अच्छा, लोग सारा ट्विस्ट यहीं पर है। और देखिए, सबसे पहले तो ये 575 मैंने क्यों कोट किया, लेट मी टेल यू, इस बार पेपर ऐसा नहीं था कि आपने देखा और सटासट हो गया पेपर ना। इस बार के पेपर में काफ़ी लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही थी एंड देन ओनली यू कैन गो टू दैट क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस तो केमिस्ट्री में बहुत ही करीब ऑप्शंस थे। ब्लास्ट फर्नेस ले लीजिए, डेटा वेरी टफ टू रिमेंबर, एंड 0.2.31 एंड सो मेनी क्वेश्चंस, एंड द फिजिक्स वाज टू लेंदी। बच्चों के लिए फिजिक्स काफ़ी लेंदी हुई, तो डेफिनेटली 575 बहुत ज़्यादा कर लूँ, 580 ये कट ऑफ जाना था। अब ये ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये कि पेपर जो आपने देखा जयपुर सीकर, मीडिया में अभी इतना ही आया, लेकिन अगर आप आज का न्यूज़पेपर यूपी का देखें तो गोरखपुर में भी आउट हुआ है और बनारस में भी। ये तो वो चीज़ें हैं जो पकड़ में आ गई पुलिस के। सो नंबर ऑफ प्लेसेस पे ये जो आउट हुआ पेपर, और डिफरेंट टाइप से हुआ है। यहाँ तो पेपर आउट हुआ कि पहले जयपुर से द पेपर वॉज गोइंग टू दी सीकर एंड देन दे हैव सॉल्व एंड देन सीकर, यू नो कितनी बड़ी मंडी है, कितना बड़ा हब है, तो सीकर से क्या ऐसे आ गया होगा वापस? आई डोंट थिंक। जो पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा है एंड दैट लेडी वॉज ऑल्सो सेइंग कि एक का तो हमें पता है एंड वी कैन नॉट से कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इससे मेरिट जो है, कट ऑफ जो है, वो दिक्कत देगा, क्योंकि अब 610 के नीचे गवर्नमेंट सीट जनरल कैटेगरी में मिलना, इट्स वेरी टफ, वेरी टफ। मतलब अब मैं यही कहूँगा कि जो सीढ़ी आपको दिख रही है और इसको ऊपर चढ़ने के लिए जो आपने प्रयास किए थे, वो ये चीटिंग खोर लोगों ने, मतलब व्हाट टू से अबाउट दीज पीपल, आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक अबाउट दीज पीपल, कि कितना चीटिंग किया है लोगों ने, बहुत चीटिंग हुई है। तो सोचिए, जिस बच्चे को 575 पर हर हालत में गवर्नमेंट सीट जनरल कैटेगरी में, देखिए जो भी SC ST है, SC ST आप इसमें 100, जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ 100 मार्क्स आप माइनस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 570 पे मिलनी थी जनरल कैटेगरी में, तो 470 पे SC ST कैटेगरी में मिलनी थी, 5-10 मार्क्स थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। बट उनको भी अब नहीं मिलनी इतनी जल्दी सीट, 500 के नीचे दे आर नॉट गोइंग टू गेट, क्योंकि चीटिंग तो हुई है। इतने तो कंफर्म लोग पकड़े गए हैं यूपी में एंड दिस जयपुर सीकर जो कैटेगरी, जो लोग पकड़े गए हैं। ये तो कोटा में एक बंदा है जिसने खुद सेकंड रैंक पाई है, रंजन, राजन रंजन, एंड ही हैज चेंज इनटू नाउ द ही गॉट एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स एंड दिस man was the behind the, all these things, what to say, no words। तो बच्चा लोग स्ट्रगल बहुत बड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो 575 से लेके जो मैं 610 कोट कर रहा हूँ, इतना बड़ा डिफरेंस इन चीटिंग करने वालों के कारण आया है। मतलब ये मुझे तो पता ही है, बट डेफिनेटली आपको भी पता लग जाएगा। सच्ची बात है कि आपको भी जब
अब एनटीए क्या करता है वो, सो एनटीए डेफिनेटली 99.9% एनटीए इज़ नॉट गोइंग टू कंडक्ट. आप खुद सोचिए ना, दोबारा से ना तो बच्चा पेपर देने की हालत में है. सच्ची बोलिए, बच्चों से बात करिए, अब हिम्मत टूट जाती है. एक बार दे दिया पेपर, नाउ अगेन एंड अगेन नो वन इज़ रेडी, एंड बच्चा हो भी जाए रेडी देन द गवर्नमेंट डेफिनेटली एनटीए विल एनटीए इज़ नॉट गोइंग टू टेक इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स. तो आप तो ये मान के चलिए, इफ़ यू आर गेटिंग लेस देन 5, वॉट टू से, बड़ा दिल को कष्ट होता है बोलते हुए. ये वीडियो मतलब बनाते हुए भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चों के जिनके 523 हैं, 550 हैं, नंबर ऑफ टाइम्स दे आर कॉलिंग मी, और मैं क्या बोलूँ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स. मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या बोलूँ बेटा, एंड आई नो वेरी क्लियरली दैट 523, 550, यू इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी यू आर नॉट गोइंग टू गेट गवर्नमेंट सीट. कट ऑफ देखिए, दो तरह का कट ऑफ होता है. एक पहली बात तो ये बता दूँ, किसी को कट ऑफ ही नहीं पता हो. एक तो कट ऑफ की लास्ट ईयर की बात बताऊँ कि एक होता है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द मेडिकल, मीन्स नीट की तरफ से. फॉर एग्जाम्पल 15 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, और ऐसा वो कट ऑफ सेट करेंगे, उसमें 7.5 लाख मतलब एडमिटेड हो जाए, दैट आ जाएगा, या यू गॉट सेलेक्टेड. मैं उस कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग द मार्क्स विच यू आर सपोज टू गेट फॉर योर गवर्नमेंट सीट. दूसरी बात है, अब हम करें क्या. तो बच्चा लोग 570 से कम है अगर आपके, तो आप काउंसलिंग का वेट जरूर कर लीजिए. बट मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिल जाएगा 570 पे भी, बट जनरली अदर प्लेसेस पे आप वेट जरूर कर लीजिए. बट साथ ही साथ फिर से नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना है स्टार्ट कर दीजिए. अब आप बोलेंगे सर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में आप जितनी फीस दोगे ना, अगर आप प्रोफेशनली भी देखें ना, तो उतना आप कमा नहीं पाओगे पूरी ज़िंदगी, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेजेस की ना तो वैल्यू होगी, ना आप वहाँ से अगर डॉक्टर की डिग्री लेना चाहते हो एक रेपुटेशन, तो रेपुटेशन भी नहीं है. एंड बहुत डिफरेंस है फीस में. आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर एम्स दिल्ली की बात करें तो कुछ फीस ही नहीं है, और अगर मैं चलो एम्स दिल्ली से बात नहीं करूँ, अदर गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस, बहुत ज़्यादा फीस आएगी. तो कितनी आएगी, 40,000, 50,000 साल की. मेडिकल कॉलेज ये जो प्राइवेट वाले हैं, इनका तो मतलब करोड़ 1.5 करोड़ तक है पूरे सिलेबस की फीस. आप डिवाइड कर लीजिए 4-5 साल में, उसको कभी नहीं कमा सकता बच्चा है. अब आप आज की डेट में, और ना वो रुतबा है ना वो फेम है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं, तो बड़ा कष्ट हो रहा है. अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा, 610 मान के चलिए, जिस हिसाब से चीटिंग हुई है, 610 के नी सब 610 के नीचे मिलने वाला नहीं. जैसे कि नीट 2020 का पेपर अगर मैं बात करूं, तो 620 गई थी कट ऑफ, और उसमें ये इस तरह से चीटिंग का इतना बड़ा गैंग सरगना ये सब नहीं हुआ था, एंड पेपर वॉज टू ईजी एट दैट टाइम. देखा क्वेश्चन, देखा सटासट लगा दिया क्वेश्चन, देखा सटासट लगा दिया, बट दिस टाइम पेपर वॉज टफ. तो पेपर टफ के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया हुआ था कि डेफिनेटली 575 पे मिल जाएगी सीट, लेकिन इतने सारे ये राज खुलासे हो रहे हैं इनको देख के, और ये तो वो हैं जो हमें पता लग रहे हैं. अभी हो सकता है 1 घंटे में और कोई न्यूज़ आ जाए. आप देखिए यूपी का पेपर, देखिए यूपी के न्यूज़पेपर में हर जगह, हर पेपर में छपा हुआ है कि इस बच्चे की जगह पैसा लेके दूसरा बच्चा पेपर दे रहा था. इस तरह की चीटिंग, आपने पेपर ही सॉल्व करा दिया. सम दिस यादव वॉज देयर, आपने देखा ही जयपुर की न्यूज़. खैर मैं तो यही कहूँगा, मैंने जितना सीन बताया है आप भरोसा करिए, क्योंकि चमत्कार कुछ होने वाला नहीं है. तो आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए. अगर मार्क्स बहुत कम हैं, 510, 520, 540, 550, कुछ नहीं होना है, ठीक है, काउंसलिंग का वेट कर लीजिए. लेकिन काउंसलिंग के वेट में अगर बहुत इंतज़ार करते रहे तो बहुत बड़ा धक्का लगता है, दिल को बहुत कष्ट पहुंचता है. कहते हैं ना, जोर का झटका बहुत जोर से लगता है. तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो करता है ना प्रिपरेशन, वही जानता है उसके दिल पे क्या बीत रही है. रो रो के बच्चों ने फ़ोन किया, इतना रो रहे थे, मतलब आई कांट से, आई डोंट हैव वर्ड्स. ओके बेटा, ध्यान रखो, मैं यही कहूँगा कि मैं क्या कहूँ, मैं मतलब
चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।